नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन जिस इलाके की हम तस्वीर ग्राउंड जीरो में दिखाने जा रहे हैं वहां मछलियां मर रही हैं, पानी ही उनकी मौत बन रहा है। मछलियां ही नहीं, मवेशियों पर भी संकट गहरा रहा है। कई गांव भी प्रभावित है। मुंगेली में मर रही मछलियों की पड़ताल आज ग्राउंड जीरो में करेंगे। इधर पानी पानी हुई है राजधानी भोपाल में, कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, आम लोगों को खासा परेशानी भी हो रही है। बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। एक ही क्लास के भरोसे 5 क्लास के बच्चे, किसी गांव की नहीं बल्कि उज्जैन शहर से ऐसी तस्वीर सामने आई। तहकीकात इस मुद्दे की भी और बताएंगे कहां पर डायरिया फिर कहर बरपा रहा है। भोपाल में तेज बारिश के बाद नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई। जगह जगह जल जमाव हो गया। वहीं पुरानी भोपाल इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई। नए भोपाल के भी कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई। हुई 1 घंटे की बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल के रख दी। इस वक्त मैं भोपाल टॉकीज के पुराने भोपाल के इलाके में, आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है वो अपनी गवाही दे रही है किस तरीके से यहाँ जल भराव की स्थिति और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जब शुरुआती बारिश के दौर में जब यह पानी भरा था, उसके बाद महापौर खुद यहाँ पहुंची थी और निर्देश दिए थे कि तमाम जो आवश्यक इंतजाम है वो यहाँ किए जाए ताकि इस तरह की जल भराव की स्थितियाँ ना हो। लेकिन देखिए, जन महापौर के निरीक्षण के बाद भी तस्वीरें क्या है आप खुद देख सकते हैं कि भोपाल के स्टेशन के बाहर का इलाका है और यहाँ पर अक्सर इस तरह की जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और एक बार फिर जब आज लगभग तकरीबन 1 घंटे की जो बारिश हुई उसके बाद फिर से ये सड़कें जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं और वाहन जो है इस पर रेंगते नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी यहाँ पर बन गई है। तो लगातार जो बारिश हो रही है उससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना खासकर पुराने भोपाल के इलाके में करना पड़ रहा है। और न केवल पुराने भोपाल की बात बल्कि राजधानी भोपाल ये जो नया शहर है वहाँ भी अब देखने को आ रहा है कि तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न है। निगम ने तमाम जो दावे और वादे किए थे कि किसी तरह के जल भराव की स्थिति नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें अपनी गवाही दे रही हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ साइलेंस सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। शिवनाथ नदी में जहर घुल रहा है और इस जहर से जलीय जीवन पर संकट गहरा चुका है। मुंगेली से करीब 60 किलोमीटर दूर सरगांव इलाके के शिवनाथ में लाखों मछलियां मरी हुई पाई गई। कई मवेशी भी नदी का पानी पीने से मौत के मुंह में समा गए। गांव वालों का आरोप है कि वाइन फैक्ट्री से दूषित पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। शिवनाथ नदी में गहराते संकट से कई दर्जन गांव प्रभावित हो रहे हैं। गांव वालों को चेतावनी दी गई है कि नदी का पानी इस्तेमाल ना करें। 1 महीने पहले भी मछलियों की मौत हुई थी। सवाल है कि आखिर कसूरवार कौन है, क्यों प्रशासन ने अब तक सुध नहीं ली। प्रमोदपुर घाट में ये शिवनाथ नदी का घाट है, जहां आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जलीय जीव जो है उनकी मौत हुई है। लाखों मछलियां यहां मरी हुई मिली है। इसके साथ साथ जो गाय बछड़े हैं उनकी भी मौत यहाँ के जो दूषित पानी है उसको पीने से हुई है। और ग्रामीणों ने जिस तरह जानकारी दी है, बता रहे हैं कि जो वाइन फैक्ट्री का जो प्रदूषित पानी है उसके नदी में मिलने के कारण इस तरह की घटना हो रही है। बोले हैं पानी वानी स्नात नदी रखना, नहाना वहाना मत, जाके जानवर को घसने मत देना, बस बोला है। फिर भी कुछ लोग काम तो नहीं किए हैं अभी तक के, अभी भी मछली मर रहे हैं। गाय और बछड़े की भी मौत, गाय छोटे छोटे बछड़े और गाय करीब 30-35 मर गए हैं। शिवनाथ नदी से लगा हुआ जो एक वाइन मर्चेंट है, एक शराब फैक्ट्री है, वहाँ का जो दूषित पानी है, केमिकल युक्त पानी है, उसे शिवनाथ नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके चलते शिवनाथ नदी का जो पानी है वह जहरीला हो गया है। उसी यही वजह है कि जो यहाँ मछलियाँ हैं, जलीय जीव है, ये गाय बछड़े हैं, उनकी मौत हो रही है। अब उसके साथ साथ जो ग्रामीण है उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा एक चेतावनी जारी की गई है कि नदी का जो पानी है उसे उपयोग न करें। यहाँ पटवारी आया हुआ था और पटवारी ने लोगों को समझाइश दी कि नदी का पानी का उपयोग न करें। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो वाइन फैक्ट्री का जो प्रदूषित पानी है।
और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत मुगेल से लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, तस्वीरें हमने देखी और ये कोई नई तस्वीर नहीं है, पिछले दिनों भी हमने देखा था कि इस तरह की भयावह तस्वीरें आई थी, बड़ी संख्या में जो है मछलियों की मौत हो गई थी। कहा तो जाता है कि जल ही जीवन है, पर जल ही अगर मृत्यु का कारण बन जाए तो फिर क्या ही कहा जाए, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? जी निश्चित रूप से, जिस तरह जल ही जीवन है, स्लोगन कहा जाता है कि जल से ही जीवन है और जल है तो कल है, लेकिन इस मुंगेली जिले के शिवनाथ नदी में जो देखने के लिए मिल रही जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो काफी भयावह तस्वीर है, क्योंकि जो मछली है लाखों की संख्या में जो मछली है वो यहाँ मरी हुई शिवनाथ नदी में तैरते हुए मिल रही है। और जिस तरह ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो नजदीक में वाइन फैक्ट्री है उसका जो दूषित पानी है वो नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते इस तरह की घटना निकल कर सामने आ रही है। वहीं आज बात की जाए तो ग्रामीणों से जो जानकारी मिली है कि कुछ मवेशी भी जो गाय और बछड़े हैं उनकी भी मृत्यु इस जो शिवनाथ नदी है उसके पानी को पीने से हुई है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, इस समय हम सावतपुर घाट में ही मौजूद हैं, जहाँ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, नदी का पानी किस तरह दूषित हो रहा है। हमारे ग्राम में जो नदी है उसमें मछली मगरा सब जीव जंतु जितना भी वो सब मर रहे हैं। शिकायत किए थे आप लोग? शिकायत किए थे। क्या स्थिति है नदी का अभी? क्या स्थिति है नदी का? गंदा पानी बहुत, मछली मर रहा थी, परेशान पी नहीं सका थे, जानवर मर रहे थे, परेशान है, तंग है। कुछ और लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें हो रही किस तरह। मछली मारे पानी है, अधिकारी मना रहे हैं, पूरा अधिकारी मना कर समाचार ले। प्रशांत, देखिए ये तो इन सभी लोगों का कहना है कि लंबे वक्त से परेशान ये हैं और कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री का गंदा पानी आ रहा है, वाइन फैक्ट्री का, उस वजह से ये मछलियां प्रभावित हुई, इन सबकी जान चली गई, मवेशी भी इसके शिकार में आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि पिछले दिनों भी ऐसी तस्वीर आई थी, उससे पहले भी तस्वीर आई थी, अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिर कैसा संरक्षण है ये कि यहाँ पर मवेशी की जान भी जा रही है, मछलियों की भी जा रही है, पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है? जी मैं बता दूं, इस मामले में जब हमारी एसडीएम पथरिया एसडीएम से जब बात हुई है तो उनके द्वारा कहा गया है कि पर्यावरण विभाग को पत्र लिखा गया है और उनसे इस मामले में जांच के लिए कहा गया, और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। वहीं कलेक्टर ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि जो शिवनाथ नदी है उसके पानी के दूषित होने की क्या वजह है। लेकिन जिस तरह ग्रामीणों का कहना है कि इनके द्वारा पिछले चुनाव के पहले एक आवेदन दिया गया था, साथ ही चुनाव बहिष्कार की भी बात कही गई थी, यदि चुनाव यदि जो पानी है जो जिम्मेदारों का सुस्त रवैया, प्रशासन का सुस्त रवैया, शायद इसी वजह से हमें ऐसी तस्वीरें देखने को लगातार मिलती हैं और सिर्फ कागजों पर ही खेलते रहते हैं जिम्मेदार, बात आगे नहीं बढ़ती है, कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। उज्जैन में एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक ही क्लासरूम है, खुले आसमान के नीचे पढ़ने को छात्र छात्राएं मजबूर हैं। प्राइमरी स्कूल में पहली से पांचवी क्लास के 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। 9 साल पहले बना था यह स्कूल। जिस स्कूल में टॉयलेट भी नहीं है, गर्मी हो या बारिश बच्चे बेहाल हो जाते हैं। आखिर स्कूल की फाइल कहां अटक गई? दरअसल यह स्कूल पुलिस लाइन की जमीन पर बना है, जहां पहले थाना बना था, बनने वाला था, पुलिस विभाग की सहमति मिलने का इंतजार था। अब जिम्मेदार क्या कह रहे हैं ये भी बताएंगे, आखिर इस परेशानी का हल क्या है, जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय पटवार ने। देखिए, ये स्कूल 2015 से मई जून से संचालित हुआ है और जब से ही बच्चे फर्स्ट राउंड था तो बच्चे कम थे, लेकिन जैसे जैसे ये साल बढ़ते गए बच्चों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती गई। बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि मतलब उनको बिठाना बहुत मुश्किल होता है, गर्मी और बारिश दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे। और नाला बिल्कुल बगल से ही नाला जा रहा है और उसकी ना तो सफाई होती है और धर्मशाला का पानी आता है, बच्चों को बदबू का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ हमें बहुत समस्या आती है, बारिश से लेकर नाली की बदबू, हमें खुले में टॉयलेट करनी पड़ती है और अगर बारिश आ जाए तो हमें यहाँ अंदर बैठ के हमारी क्लास रुक जाती है। कितनी क्लास चलती है? मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार स्कूल चले, हमको बढ़ावा देने के लिए
सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उज्जैन के एक जवाहर नगर का जो स्कूल है 10x10 में संचालित किया जाता है, जिसमें 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 2 क्लास के बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो 3 क्लास के बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं। ये कोई ठंड का सीजन नहीं है जो बच्चे बाहर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये बारिश का सीजन है और अभी स्कूल शुरू हुए हैं और इस हालत में बच्चे को पिछले 9 साल से बाहर बैठ कर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। और स्कूल के टीचर हैं या बच्चे हैं, ये सब जो है सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर इनकी कोई तो सुने का और इसके बाद जो है इस स्कूल का निर्माण होगा और इनको अच्छी शिक्षा अर्जित हो सकेगी। और अब बात डायरिया की। जांजगीर चांपा में डायरिया डरा रहा है। महज 7 दिन में 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बलौदा ब्लॉक के करमदा गांव में फूड पॉइजनिंग से 96 लोग डायरिया के चपेट में आ गए। पामगढ़ ब्लॉक का कोशर गांव भी प्रभावित है। कोशर गांव में 3 दिन का स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती तादाद पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। हाल ठीक नहीं का प्रदूषित हवा इसे लगा था सर। तो ये जो है कोई एक जगह के पानी पिए है कि पूरा वही टंकी वाला पानी हवा है। अच्छा, नल जल योजना के जो पानी वही वहाँ के पानी तो जितका मतलब वहाँ पानी की जितनी जितका है हॉस्पिटल में आए। कते जी ना हुई तुम्हारे यहाँ ले तो 50 झील कम नहीं हो 50 घर ले 3 दिन पहले। कैसा लगता सर? अभी तो आराम उतना हुआ नहीं, पहले से थोड़ा अच्छा है। पहले कैसे लग रहा था? पहले उल्टी और दस्त आ रहा। कब से है शिकायत? काल से। कैसे कैसे लग रहा है? उल्टी दस्त 40। पानी कैसे उधर का? पानी पतला है। मॉनसून आ चुका है, कई बीमारियां घर कर लेती हैं और लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। डायरिया का प्रकोप लगातार जांजगीर चांपा में बढ़ रहा है। आप लोगों को देख रहे थे, बड़ी संख्या में मरीज यहां पर अस्पताल में नजर आए। हफ्ते में 300 से ज्यादा मरीज नजर आए हैं, लगातार बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य अमला भी यहाँ पर सक्रिय है और ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं कि लोगों को जल्द से जल्द जो है स्वस्थ किया जाए, उन्हें समय पर दवाई दी जाए और उनकी मदद की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही।